चिंता की पुष्टि हुई कि भारत के आजाद होने से पहले अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना। देश विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुक कर दी गई थी, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने विभाजन के बाद भारत में चुनाव लड़ा और 1957 को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव उनके कम से कम 2 सांसद जरूर जीते। मुस्लिम लीग आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नाम से जानी जाती है, जबकि IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है। इसके साथ ही तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार मुस्लिमों को आरक्षण और शरिया कानून लागू करने की वकालत करती रही है, यानी जिस पार्टी को राहुल गांधी सात समंदर पार से सेकुलर बता रहे हैं उसकी विचारधारा कम्युनल बताई जाती है। इस पार्टी और जिन्ना के मुस्लिम लीग में कई समानताएं हैं। 2024 का माहौल बन रहा है, राहुल विदेश में है और मुस्लिम लीग पर उनके बयान ने नया सियासी टूर्नामेंट शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दो गुजराती